नमस्कार दोस्तों, कि नजर लगना क्या है? हमारा भारतीय समाज नजर लगना, नजर लगाना एक आम सी बात है। कोई माने ना माने पर नजर दोष के निवारण आज हर परिवार करता है। कभी कोई छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत रो रहा है, तो माँ कहेगी अभी तो भला चंगा था, नजर लग गई है, और फिर परेशान होकर उपाय करने लगेगी। पर क्या नजर हमेशा बच्चों को ही लगती है? पर नहीं, कई बार किसी का काम धंधा चलता चलता बंद हो गया तो कहेगा किसी की नजर लग गई है। तो इस तरह से बहुत सी जगह लोग ऐसे बोलते हैं कि हमेशा नजर लग गई है, अरे ये क्या हुआ, नजर लग गई है। पर ये नजर लगना है क्या, और ये लगती कब है, इसके लक्षण क्या है? देखिए, लक्षण ये है, जब किसी को नजर लगती है तो उस समय मोस्टली लोग ये कहेंगे, अरे मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी शरीर टूटा टूटा ऐसा है, मन काम में नहीं लग रहा, बेचैनी सी है, बुझा बुझा सा शरीर है। अब छोटा बच्चा प्रतिक्रिया नहीं कर सकता तो वो जो जो से रोने लगेगा, दूध पीना छोड़ देगा। देखिए, कब लगती है ये नजर, ये बताते हैं। कब लगती है? जब आप बहुत खुश हैं, अपनी खुशी से किसी को प्रकट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, शो हो रहा है आपके चेहरे से, उसके बाद कोई एक ऐसा जो अंदर ही अंदर बड़ी ईर्ष्या से आपकी तरफ देख रहा है, ऊपर से चाहे वो कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर उसके ईर्ष्या की जो अग्नि चल रही है, वो अग्नि जाकर नजर लगा देती है। बस इसी को कहते हैं नजर लग गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत प्यार भरी दृष्टि से भी किसी की तरफ देखा जाता है तो तब भी बोला जाता है कि नजर लग गई है किसी की। लेकिन नजर किसी की भी लग सकती है, कोई अनजान जो आपको जानता भी नहीं तो उसकी नजर लग जाएगी, तो कभी कोई जानवर, यहां तक कि कभी कोई पक्षी चिड़िया आपके सिर के ऊपर से उड़ के गई है, कोई कारण नहीं है, फिर भी नजर लग गई है। लेकिन इस नजर का निवारण कैसे किया जाता है? देखिए, हर वस्तु में एक आकर्षण शक्ति होती है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उसको बाहर की तरफ फेंकती हैं। जैसे कि मान लीजिए तेल है, तेल को आप खुला थोड़ी देर के लिए रख दें तो थोड़ी देर में देखेंगे तेल के हाथ पैर नहीं, लेकिन फिर भी उसने आकर्षण कर लिया, आसपास साफ सुथरा माहौल से भी धूल मिट्टी खींचकर उसके ऊपर जम जाती है, तो ये कहेंगे। इसी तरह नींबू है, कपूर है, लाल मिर्च है, मोर का पंख है, बूंदी का लड्डू है, ये ऐसे हैं जो अपने अंदर के आकर्षण से नजर को खींच लेते हैं। सो नजर उतारने के लिए मोस्टली इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नजर उतारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो उस टाइम माँ को चाहिए कि बच्चे के सिर के ऊपर से रोटी या दूध वार कर उसे कुत्ते को या गाय को खिला दे, या फिर ये तो लाल मिर्च लेकर, नमक लेकर, पुरानी झाड़ू का पीले का टुकड़ा लेकर, आठ बार जिसकी नजर लगी हो उसके ऊपर से वार कर उसे बाहर फेंक दे। लेकिन पश्चिम देशों में इसका बहुत इजी तरीका कि फौरन लोग वुड को टच कर लेते हैं और कहते हैं टच वुड, नजर उतर गई। लेकिन ईसाई लोग गिरजाघर से पवित्र जल लाते हैं और इस तरह से अपनी नजर उतारते हैं। सो नजर लगना, कोई इतना लगाना, ये सब चीजें अगर हैं भी तो इनके निवारण भी हैं। धन्यवाद।